ओम नमः शिवाय। जो अपने पति या पत्नी, प्रेमी या प्रेमिका, या अपने बहुत बड़े दुश्मन को अपने वश में करना चाहते हैं, उन्हें वशीभूत करना चाहते हैं, या आप अपने परिवार में किसी एक सदस्य को, चाहे वो सास, ससुर, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, किसी को भी आप वश में करना चाहते हैं, उन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान किया हुआ है, अपने प्रेम को बहुत ही ज़्यादा मजबूत और उन्हें अपने वश में करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपकी हर एक बात माने, तो ये विधि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक और बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है। जो भी नए साधक साध्वी हमारे चैनल पर अभी नए हैं, वो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपकी बहुत सी समस्याओं के समाधान के लिए बहुत ही सरल सरल विधियां लेकर आते हैं, जिससे आप स्वयं उस विधि को अपने हाथ से करते हैं तो आपके सभी कार्य जरूर संपूर्ण होंगे। इस असरदार विधि को करने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, तो आइए जानते हैं। इसमें हमें चाहिए एक कांच के गिलास में शुद्ध जल, दो कपूर और लौंग का जोड़ा, और एक माचिस, और इसमें सबसे आवश्यक चाहिए आपको गणेश जी की मूर्ति, या आपके घर में जो भी गणेश जी की तस्वीर या कोई भी फोटो हो तो आप उसके सामने भी इस विधि को कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, पहले 3 बार ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, पहले आपने गणेश जी के सामने इस मंत्र का जाप करना है, और उसके बाद गणेश जी के सामने ये दो कपूर की टिकिया जलाएं, और उसके बाद आप इस गिलास को अपने मुख के सामने रख कर, जिसको आप वशीभूत करना चाहते हैं, अपने मन में ही उनकी तस्वीर बनाएं, और उसके बाद आप इस गिलास में आप देखें, यदि आपको उस व्यक्ति की तस्वीर इस जल में दिखाई देती है, उसी समय आप ये लौंग का जोड़ा इस गिलास के अंदर डाल दें। इस गिलास में डालने के बाद आपने इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। इस विधि को किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। ध्यान रहे, यदि इस विधि को कोई साधक साध्वी करते हैं तो इस विधि को स्नान करने के बाद ही करें। मासिक धर्म में कभी भी कोई भी वशीकरण विधि नहीं की जाती। यदि आप करते भी हैं तो उस विधि का कोई भी असर नहीं होता, वो विधि बिल्कुल भी कार्य नहीं करती है। जब आप ये सब कर लेते हैं तो आपने इस गिलास में से आपने ये दोनों लौंग निकालने हैं। निकालने के बाद आपने, यदि इस विधि को कोई साध्वी कर रही है, तो आपने इन दोनों लौंग को अपनी चुन्नी के अंदर बांध लेना है, और ध्यान रहे इस चुन्नी को आपके परिवार में से कोई और महिला ना ले, और यदि कोई साधक कर रहा है तो आपने इन दोनों लौंगों को अपनी शर्ट की ऊपर वाली पॉकेट में रखना है, और जो ये जल बचा है, इस जल को आपके घर के आसपास कोई पेड़ हो तो उसकी जड़ में आप इसे चढ़ा दें, यदि आपके घर के आसपास कोई पेड़ नहीं है तो अपने घर के गमले में आप इसे चढ़ा सकते हैं। पूर्ण सच्ची श्रद्धा से की हुई विधि बहुत ही ज्यादा कारगर होती है, बहुत ही जल्द असर दिखाती है। अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ यदि आप कोई भी वशीकरण विधि करते हैं तो आपके जो कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, या आप किसी को वशीभूत करना चाहते हैं, तो आपका वो कार्य जरूर संपूर्ण होगा। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर को व्हाट्सएप पे ऐड करें और अपनी समस्या को व्हाट्सएप मैसेज में छोड़ दें, और मैं सभी साधक साध्वियों को बताना चाहूँगा, कोई भी साधक साध्वी इस विधि का किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करें, क्योंकि ये विधि बहुत ही ज़्यादा असरदार और बहुत ही ज़्यादा कारगर है। यदि आप इस विधि को किसी गलत कार्य के लिए प्रयोग करते हैं तो जो भी गलत परिणाम होगा वो आपको भुगतना पड़ेगा। और सभी साधक साध्वी इस विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम नमः शिवाय।